आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि कौन कौन से फनी मोमेंट थे इस वीक के। साथ ही हम लोग इस वीडियो में अनबॉक्स की धुलाई और मोदी जी के फनी मोमेंट देखेंगे। अगर आपके कोई सुझाव हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। सूर्य उदय पहले कहाँ उगता है? सूर्य उदय सबसे पहले हमारे भारत में हम आपको बता दें सबसे पहला सूर्य उदय कहाँ होता है। हम एक बार गए थे इस तरफ, हाँ इस तरफ आसाम के आगे भी कुछ है, उसके आगे क्या है, मणिपुर के आगे क्या है, हम उस तरफ नागालैंड गए थे। हम नागालैंड गए थे, नागालैंड भारत की ही धरती है, ठीक है। नागालैंड वहां गए तो सवेरे 4:30 बजे देखा तो दिन था 4:45 बजे, इसलिए उस तरफ सबसे पहला सूर्योदय होता है। समझ गया महाराज जी। बल्कि गूगल में सर्च करने से बताता है कि जापान में पहले सूर्य उदय होता है। अच्छा भैया, वो अमेरिका का एक वैज्ञानिक कह रहा था जी, बोले हमने एक आदमी की किडनी बदली, 2 घंटे बाद वो काम धंधा ढूंढ रहा था। अच्छा, मैं एक जापान का था, बोले जी हमने एक आदमी का हृदय बदला था, 6 घंटे बाद वो काम धंधा ढूंढ रहा था। ठीक है, मैं एक भारतीय भी था, बोले जी हमने तो एक आदमी बदला था बस, पूरा देश काम धंधा ढूंढ रहा है। मधुरी का जी, जी बेटा बोलो। मैं एक बीटीसी छात्र हूँ। बीटीसी टेट सीटेट पास हुई। मेरा बीजेपी से क्वेश्चन है कि कैसे हो जाऊँ तेरी इबादत में फना। कैसे हो जाऊँ तेरी इबादत में फना, कैसे हो जाऊँ तेरी इबादत में फना। मैंने मांगी नौकरी, अब तुमने दे दिया नमक दे लो चना। अगर आपके पास वो है जो मेरे पास नहीं है तो मैं आपसे छीन लूंगा, लेकिन अगर मेरे पास वो है जो आपके पास नहीं है और वो मैं आपको दे दूं तो तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं भाई। दहशत कर धमाका करके भाग गया पॉलिटिशियन, पैसे लेकर भाग गया, और हमारी पुलिस किसको पकड़ेगी जो हेलमेट नहीं पहनता। आप हमको सोच करके बताइए। ठीक है, जब एयर इंडिया भारत सरकार का नहीं है, समझ गया, तो विमान मंत्री सिंधिया का लेकर के क्या करेंगे? बात तो सही है। जब नहीं है एयर इंडिया तो क्या करेगा ज्योतिरादित्य सिंधिया? ये सोच करके मुझे बताइए कि जब हमारे पास रेलवे ही नहीं बचेगी तो रेल मंत्री क्या करेगा? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? जब हमारे पास BSNL ही नहीं बचेगा तो कम्युनिकेशन मिनिस्टर क्या करेगा? यही नहीं, अभी और सुनिए। जब आप शिक्षा को बेच ही देंगे तो एजुकेशन मिनिस्टर क्या करेगा? और कहते हैं कि सब कुछ के लिए आत्मनिर्भर बनो, तो आप भी आत्मनिर्भर बन जाओ, आपको भी देश का प्रधानमंत्री होने का क्या जरूरत है? बात तो सही है, गजब बेइज्जती है। कैग की रिपोर्ट में एक के बाद एक बीजेपी के काले कारनामे उजागर हो रहे हैं। मोदी सरकार का सबसे बड़ा घोटाला आयुष्मान योजना है, जिसमें मुफ्त इलाज के नाम पर मुर्दों का इलाज करवा रही भाजपा ने इलाज कराने वाले 7.5 लाख लोगों को एक ही मोबाइल नंबर से जोड़ दिया। मोदी जी का दूसरा महाघोटाला है द्वारका एक्सप्रेसवे, जिसमें मोदी जी ने मात्र 1 किलोमीटर सड़क 250 करोड़ में बनवाकर जनता का पैसा निकल लिया। सोचो कहाँ पहुँच गया वो वीडियो, जो लोग 4 बजे देखते थे, देखता उनका योगा आपने। हम तो ये कहते हैं कि जो काम नहीं कर सकते क्यों करना। अगर योगा ही करना था तो लोम विलोम करके ही काम चला लेते। ये है गौ माता, हार पहना रहे हैं लोग। माता जी आशीर्वाद दे रही है, ले लो, भक्त के हो रहे। इस देश में दुकान में सामान हो या नहीं, बेचना 2 लोगों को आया, दोनों इस समय टॉप पर हैं भाई।
12 साल बाबा ने टेलीविजन पर आकर कहा काम धंधा छोड़ो, योग करो, काम धंधा छोड़ो, योग करो। हमने योग शुरू कर दिया, उसने काम धंधा। पहले हम रोड टैक्स दे देते हैं, फिर ऊपर से टोल टैक्स देते हैं। हर 20-25 किलोमीटर चलने का टोल टैक्स अलग से देते हैं। मन में कभी सवाल नहीं उठता आपको कि जब हमने रोड टैक्स दे दिया तो ये टोल टैक्स क्यों देना? या तो हम रोड टैक्स नहीं भरे तब समझ में आता है, रोड टैक्स भी दे रहे हैं फिर टोल टैक्स क्यों? हमारे ही रोड टैक्स के पैसे से रोड बन रही है, फिर उसी पे चलने के लिए और टोल टैक्स क्यों? और हर 20-25-50 किलोमीटर पर क्यों? एक दिन मैंने हिसाब निकाला था, दिल्ली से कलकत्ता अगर गाड़ी से आप चले जाएं तो डीजल के खर्चे से ज्यादा टोल टैक्स का खर्चा दिल्ली से कलकत्ता सड़क रास्ते से आप चले। तो हम हिंदुस्तान की सरकार को इनकम टैक्स के रूप में, कॉर्पोरेट टैक्स के रूप में, एक्साइज ड्यूटी के रूप में, वैल्यू एडेड टैक्स के रूप में, सेल्स टैक्स के रूप में, सैंपल सेल्स टैक्स के रूप में, रोड टैक्स के रूप में, टोल टैक्स के रूप में, प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में, हाउस टैक्स के रूप में, 64 तरह के टैक्स के रूप में हर साल हम 20 लाख करोड़ दे देते हैं, 6,14,000 करोड़ केंद्र सरकारों को और बचा हुआ सब राज्य सरकारों को, 35 राज्यों में। फिर हमारी गरीबी आपका राज है क्या? डीजल मिलता है, पेट्रोल 30-32 रुपए में मिलता है, उसको आप 90 से 100 रुपए बेच रहे हो। आपके बाप का राज है क्या कि लूटोगे, खाओगे, खुद 15-15 लाख के सूट पहनोगे, और किसान है उसके तन पे कपड़ा नहीं है, मजदूर के तन पे कपड़ा नहीं है, आप घूम रहे हो, वहाँ 30 तरह के व्यंजन खा रहे हो, वो सूखी रोटी खा रहा है, और किसान ने अगर पिज्जा खा लिया तो उसको सोशल मीडिया पर चलाते हो, पिज्जा क्यों खा लिया? आपको ही अधिकार है पिज्जा खाने का, आपको ही अधिकार है कूलर में सोने का, आपको ही अधिकार है एसी में रहने का, आपको ही अधिकार है पैंट शर्ट पहनने का। आपके बाप दादा ही लेके आए थे क्या प्रॉपर्टी? आपके तो मैं चाय बेचने वाला था। नरेंद्र मोदी जी कितने चाय बेचने वाले 15-15 लाख का सूट पहनते हैं, और वो किसान है, वो कल भी फटी धोती में था, आज भी फटी धोती में था, फिर कहां से आप जनता के देसी हो? गजब बेइज्जती है। आपने कभी गाय के गोबर से अपने मुंह को धोला? नहीं। केमिकल युक्त फेस वॉश आप यूज करते हैं, लेकिन शुद्ध गाय का गोबर। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भैया? इस गोबर से नहाने से चमड़ी का कोई भी रोग हो, मैं गारंटी लेता हूं, चमड़ी संबंधी कोई भी रोग हो समाप्त हो जाएगा, इतनी ताकत गोबर में है। अरे बाबा, कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। तो रुको जरा, सबर करो। डॉक्टर्स ने रिसर्च के आधार पर बात कही है, इसमें कहा गया है कि गोबर में नहाने से ब्लैक फंगस यानी म्यूकोर माइकोसिस के मामलों की संख्या बढ़ सकती है। जानवर के गोबर में सड़ने गलने वाले कार्बनिक पदार्थ में खूब पाए जाते हैं, ऐसे अंधविश्वास चिंता में डालने वाले हैं। ब्लैक फंगस के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे कैसे लोग रहते हैं यार आप? अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर। मुसलमान इस मुल्क के खतरा है, बताओ इस देश के ओबीसी समाज के लोगों, तुम्हारे मंडल कमीशन का विरोध किसी मुसलमान ने किया क्या? रोहित वेमुला पायल तड़वी के खिलाफ कोई मुसलमान खड़ा था क्या? आपका लेटरल एंट्री में रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, ये कोई मुसलमान छीन रहा है क्या? सरकारी शिक्षा और सरकारी नौकरी को प्राइवेट हाथों में बेचकर आपका आरक्षण खत्म कर दिया गया, ये कोई मुसलमान कर रहा है क्या? आपके बच्चों की शिक्षा को प्राइवेट हाथों में बेच करके अंबानी अडानी का गुलाम बना दिया गया, लाखों रुपए में डिग्रियां बिकेंगी, जिसकी जेब में पैसा होगा उसके बच्चे पढ़ेंगे, जिसकी जेब में पैसा नहीं होगा उसके बच्चे नहीं पढ़ेंगे, ये कोई मुसलमान कर रहा है क्या? बात तो सही है, अब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।